और दोस्तों ये कहानी है टकला आडम की। टकला आडम को बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था और आज उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली थी टकला भाई MBBS। तो वो अपने फिल्म के सेट पर ही जा रहे थे तभी उन्हें वेनम बुलाता है। ओए टकले, इधर आ, लगन दादा बुला रहे है। और लगन दादा को दस्त हो गया था तो वो टकले को बोलते है दो गोली दे दे। उन्होंने बोला था कि दवाई वाली गोली, पर टकले को लगा बंदूक की गोली चाहिए। मिस कम्युनिकेशन की वजह से गलती से टकले ने दगन दादा का गेम बजा दिया। फिर तुरंत ही पुलिस आ गई और टकले को पकड़ लिया। अरे नुबड़े, अब तो अपनी बाकी की जिंदगी हवालात में गुजारेगो तू। अरे साहब, मेरी कोई गलती ही नहीं है, उन्होंने ही बोला था मेरे को गोली देने के लिए। अरे इंस्पेक्टर छोड़ दो, इस बेचारे ने नादानी में गलती कर दी है, इसका कोई इंटेंशन नहीं था दगन दादा का गेम बजाने का। और ताऊ का गाँव में बहुत बड़ा नाम था, इसलिए इंस्पेक्टर ने ताऊ की बात सुनकर टकले आडम को छोड़ दिया। पर बदले में टकला आडम अब ताऊ के लिए काम करने लगता है और उसका राइट हैंड बन जाता है। ताऊ और टकले आडम का बहुत खौफ था, उन दोनों ने मिलकर शहर में धूम मचा दी थी। ओए, पर इन सब चीजों में टकले आडम का एक्टर बनने का सपना तो छूट ही जाता है। तो वो डायरेक्टर के पास जाता है फिल्म में काम मांगने के लिए। अरे साहब, मेरा बचपन से सपना है एक्टर बनने का, प्लीज अपनी फिल्म में कोई छोटा मोटा रोल दे दो। अबे नुबड़े, औकात में रह, तू थर्ड क्लास गुंडा है, तू मेरी सेकंड क्लास फिल्म में काम नहीं कर सकता, दूसरी बार मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, चला जा नूबड़ी के। और ये बात सुनकर टकला आडम गुस्से में अपनी बंदूक निकाल लेता है और डायरेक्टर को गोली मार देता है। और ढिसकियां हुई और इस तरह वो डायरेक्टर का गेम बजा देता है। फिर आडमपुर का कोई भी डायरेक्टर उसे अपनी फिल्म में काम नहीं देता है। अरे ताऊ, मैं अब इस काम से थक गया है, मेरे को बड़े शहर जाने का है, एक्टर बनने का है, अपुन का बचपन का सपना है, प्लीज मेरे को जाने दो। अरे वाह बेटा, जा पढ़ लिख के बड़ा डॉक्टर बनना, मैं तुझे मिलने जरूर आऊंगा। और टकला आडम बोला था एक्टर बनना है, पर ताऊ को लगा डॉक्टर बनना है। ठीक है ताऊ, अब मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। ऐसे टकला आडम निकल पड़ता है बड़े शहर की ओर। और आज 5 साल बाद ना ही तो वो एक्टर बना, ना ही तो वो डॉक्टर, वो पुराना गैंगस्टर ही बना रहा। अब आगे वही। हाँ बोलो सेठ लोग, क्या मैटर हो गया है? अरे मेरे को नया बिल्डिंग बनाना है, पर वहाँ तो पहले से ही रंगा दादा का कब्जा है, तो वो मेरे बिल्डर को परेशान कर रहा है। अरे ये रंगा दादा तो बहुत येड़ी चीज है, उसके एरिया में तो बिल्डिंग बनाना बहुत मुश्किल है रे। हाँ इसलिए तो हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही है जो रंगा दादा को निपटा सकता है। हाँ ठीक है चल, उसको तो मैं निपटा दूंगा, पर तू जो बिल्डिंग बना रहा है उसमें मेरे को 50% हिस्सा चाहिए। अबे चल चल, तब तो ये काम मैं किसी दूसरे भाई से करवा लूंगा, तेरे को थोड़ी मैं 50% हिस्सा दूंगा। अरे ठीक है रे, तो अब हम भी देखते हैं तू कैसे अपनी बिल्डिंग बनवाता है। अरे भाई वो देखो, वो देखो, वो तो केली आ रही है। अबे यार, केली को देख के अपन को हिस्सा धक धक होता है। भाई वो देखो, वो देखो, वो तो आपको ही देख रही है, मुड़ मुड़ के देख रही है। अरे क्या बात कर रहे लाए, देख तो अभी भी मेरे को देख रही है क्या? अरे हाँ भाई, आपको ही देख रही है, मैं तो बोल रहा हूँ प्रपोज कर दो, फुल टू सिग्नल दे रही है। अबे नहीं यार, मेरे को नहीं लगता वो मेरे को देख रही है, और वैसे भी अपुन इतना हैंडसम भी नहीं है कि कोई मुड़ मुड़ के मुझे देखे। हाँ सही कहा, तो फिर केड़ी मेरे को देख रही होगी, साला मैं इतने दिनों से बात क्यों नहीं समझा। सड़ो तो मैं उसे प्रपोज कर देता हूँ। अबे तुझे नहीं, देखो देखो भैया, वो आपको ही देख रही है। अरे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आज मैं गोल गप्पे खाऊं या ना खाऊं। छोड़ो नहीं खाना, वरना मैं मोटी हो जाऊंगी। सही कहा था इप्पू तूने, वो कब से मेरे को ही देख रही थी। हाँ अब जल्दी प्रपोज कर लो, वरना रेड क्रिमिनल कर लेगा। अरे नहीं केली सिर्फ मेरी है, आई नुबड़े बाजुआट, केली चल मेरी बाबू बन जा। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ डॉक्टर की ही बाबू बनूंगी, क्या तुम डॉक्टर हो? नहीं तो अपन इंसानों का मैकेनिक है, इंसान ठीक करता है। तो फिर रहने दो, मैं तुम्हारी बाबू नहीं बन सकती। अरे क्या बात कर रही है, तो मैं डॉक्टर बन जाएगा तो तू मेरी बाबू बन जाएगी क्या? हाँ तब कुछ बात बन सकती है। अरे कौन साला कॉल कर रहा है मेरे को भी, हाँ बोल कौन है बे? अबे साले लाल टट्टी, मैं तेरे बाप का बड़ा भाई ताऊ बोल रहा हूँ, मैं शहर आ रहा हूँ तुम सबको मिलने, तुम मेरे को पिकअप कर जाना। हाँ ठीक है ताऊ, तो रेलवे स्टेशन आ जाऊँ ना पिकअप करने, और इस बार टिकट तो ली है ना आपने, पिछली बार आपने मेरे को TC से मार खड़वाई थी। अरे नहीं सुन, रेलवे स्टेशन पे मत आना, मैं यहाँ क्लॉक टावर रोड पे ही कूद जाऊंगा, ट्रेन से तो वहाँ जाना। ठीक है
जाऊँ मैं किसी को भेज दूंगा, इस बार मेरे को मार नहीं खानी, रख टाऊ। अरे सुनो सब लोग, टाऊ आ रहे है, टाऊ क्लॉक टावर पे आ रहे है। अरे बाबू मुझसे भागो, सब लोग सुक जाओ, टाऊ आ रहे है। अबे नुबड़ो भागो मत, चलो जल्दी क्लॉक टावर में हॉस्पिटल सेटअप करो। ठीक है तो मैं येड़ो क्रिमिनल को भेज देता हूँ, टाऊ को पिकअप कर लेगा। हाँ बोल क्या हो गया। अबे सुन जल्दी एम्बुलेंस निकाल, टाऊ आ रहे है, उनको क्लॉक टावर रोड पे पिकअप करके आ, वो ट्रेन से वहाँ कूदने वाले है। अरे यार इस मुसीबत को अभी ही आना था। आ गया क्लॉक टावर रोड, चलो यहीं कूद जाता हूँ। हाँ हाँ अभी भी मेरे को लगता है मैं टीनेजर हूँ। अरे रुक जाओ चोर, मुझे मेरा बैग वापस कर दो। और नहीं डार्लिंग, ये बैग तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। अरे बेटी चिंता मत कर, अभी तेरा बैग वापस दिलवाता हूँ इस चोर से। साले चोर शर्म नहीं आती, लड़की का बैग चुराता है। अरे छाछा ये मेरे बाबू का बैग है, वो प्यार से मुझे चोर बुलाती है और हम दोनों चोर पुलिस खेल रहे थे। अरे आपने तो मेरे बाबू को गोली मार दी, तो अब मैं चोर पुलिस किसके साथ खेलूंगी। अरे बेटी मैं खेलूंगा, आजा हम दोनों खेलते हैं चोर पुलिस। अरे छाछा मेरे को गोली लगी है, पहले मुझे तो ले चलो अस्पताल। अरे चिंता मत कर, मेरा भतीजा बहुत बड़ा डॉक्टर है, चल उसे तेरा इलाज करवाता हूँ। अरे पाई लगताऊ जी, चलिए बैठ जाइए, चलते हैं क्लॉक टावर। जी तारे बेटा, और इस नूबड़े को भी लेकर चलना है, मैंने इसके पिछवाड़े में गोली मार दी। बाबू मैं इलाज करवा के आता हूँ, आप फिर खेलेंगे चोर पुलिस। और ताऊ जी आते हुए रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बेटा, ताऊ तकलीफ लेता नहीं, सिर्फ देता है, माइंड इट। अरे ये क्या, ये क्लॉक टावर पे भी कोई डॉक्टर रहता है क्या? मैं देखो तो पता ही नहीं था। अरे डॉक्टर देख खेलना इसे क्या हो गया है, कल रात से ये बस यही कर रहा है। और ये ले वन टेप खा, और ये ले नुबड़े तू भी वन टेप खा, आ जाओ सारे 1v4 आ जाओ, और ये ले नुबड़े तू भी वन टेप खा, सालो वन टेप किंग बोलते हैं मेरे को। मुझे तो इसकी चिंता सताए जा रही है, डॉक्टर अब आप ही है जो इसे ठीक कर सकते हैं। शकुरी जी आपके भैया की रिपोर्ट आ गई है, ये बहुत ही घातक बीमारी का शिकार हो चुके हैं। अरे डॉक्टर साहब क्या हो गया मेरे भाई को, प्लीज बताइए। शकुरी जी मुझे बड़े ही अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि आपके भाई नुबड़ेपन का शिकार हो चुके हैं, और इनका इलाज तो बड़े बड़े डॉक्टर्स भी नहीं कर पाएंगे। अरे कौन सी बीमारी है, इसमें क्या होता है? दिस इज अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन, ए पेशेंट लॉस्ट हिज गेम प्ले, ही बिकम अ नूब बट एक्ट्स लाइक अ प्रो प्लेयर। तो डॉक्टर साहब अब हम क्या करेंगे? घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं इनका ऑपरेशन कर दूंगा, फिर आपको खाने के बाद इनको सुबह शाम कस्टम खिलवाना है, पर ध्यान रहे सामने नुबड़े बंदे ही होने चाहिए, तो ये कुछ दिन 1v4 कस्टम खेलने के बाद ठीक हो जाएंगे। टकला बेटा तू तो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। अरे ताऊ जी आप कब आए, मेरा तो ध्यान ही नहीं था, पाई लागू। चीता रे बेटा तू एक दिन बहुत बड़ा प्रो डॉक्टर बन। मैं भी दूर से पाई लागू ताऊ जी। तू भी दूर से जीता रे बेटा, एक दिन बहुत बड़ी नर्स बन, ऐसा आशीर्वाद है तुझे मेरा। अबे क्या बकवास कर रहे हो सब लोग, ये तो वसूली वाला है, ये कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है। अरे बेटा लगता है ये सठिया गया है, इसको मैंने गोली मार दी है, इसका इलाज कर दे तू। ये गुंडा क्या इलाज करे, रेड क्रिमिनल इमरजेंसी, पेशेंट को जल्दी एडमिट करो। अरे इमरजेंसी है हटो। अरे बेटा ये क्या किया तुमने? अरे ताऊ जी वो इंजेक्शन मार के पेशेंट को बेहोश नहीं करते, वो सुई बहुत नुकसान करती है, इसलिए ये आयुर्वेदिक टूल मार के ही हम पेशेंट को बेहोश करते हैं। अरे वाह बेटा काफी बढ़िया तकनीक का इस्तेमाल करते हो तुम इसका इलाज करो, तब तक मैं बाकी दर्दियों से बात कर लेता हूँ। अरे बेटा मैं पिछले साल आया तब भी तुम यही थे, ऐसा क्या हुआ है तुम्हें? अरे ताऊ जी उसको किडनी का प्रॉब्लम है, अरे ये देखो हमका किडनी में फिर से हार्ट अटैक आ रहा है, डॉक्टर बसाइए मुझे। इमरजेंसी ये लो ठीक हो गया, इसे अक्सर दौरे पड़ते हैं। तभी मैं सोचूं ये साला किडनी में हार्ट अटैक कब से आने लगा, और बेटा तूने इसे लात क्यों मारी, दवाई दे देता। अरे नहीं ताऊ जी ये दवाई नुकसान करती है, इसलिए मैंने इसे आयुर्वेदिक लात मार दी। अरे वाह बेटा अच्छी बात है, और इस बेचारे को क्या तकलीफ है? ताऊ जी इस बेचारे के पास एक किडनी नहीं है, इसलिए हमने इसे यहाँ एडमिट करके रखा है। हाँ ताऊ जी मैं इस वैलेंटाइन पर मेरे बाबू को अपना दिल देना चाहता था, पर वो बोली कि तेरा दिल तो
पत्थर का है, इसलिए मैंने अपनी किडनी दे दी हो। अरे क्या बात है बेटा, तुम निब्बा निब्बियों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। अबे येड़े, तू हर बार क्या हार्ट अटैक करता रहता है, और कोई नई बीमारी का नाम नहीं आता है क्या तेरे को? अरे भैया जी सॉरी, माय मिस्टेक। ओए नुबड़े येले वन टैप खा, ओए नुबड़े बूढ़े तू भी येले वन टैप खा। अरे बेटा इसको क्या हुआ है? अरे ताऊ जी ये बेचारा नुबड़ेपन का शिकार हो गया है। अरे बेटा अभी इसे मैं ठीक करता हूँ आयुर्वेदिक घुसा मार के। ये लो ठीक हो गया ना। हाँ, कभी कभी लगता है अपुन इस डॉक्टर है। अबे सुन नुबड़े, अगर ताऊ जी पूछे ना के टकड़ा आदम कौन है तो बोलने का डॉक्टर है, वरना टेढ़ा बगैर बीमारी का ऑपरेशन कर दूंगा। अबे नहीं मैं तो ताऊ जी को बोलेगा कि ये डॉक्टर ने गैंगस्टर है। रुक साले अभी बताता हूँ तेरे को। अरे टकले बेटा ये ऊह की आवाज क्यों आ रही है ऑपरेशन रूम में से?